जो पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कुछ इस तरह से है। एक बार क्या होता है, महात्मा बुद्ध तड़प रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इस मंदिर में, उस मस्जिद में, दरगाह में, हर जगह तलाश रहे होते हैं, परेशान होते हैं। और उनके जो मन में परेशानी होती है वो बस इतनी रहती है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे भगवान को देखना है, मुझे ईश्वर से मिलना है। इतनी तड़प होती है उनके अंदर। और जब बहुत सारे तरीके अपना लिए, बहुत सारे लोगों से मिल लिए और उनको कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ये सोच लिया कि अब इस जीवन का मतलब ही क्या है, चलो सुसाइड कर लेते हैं। वो सुसाइड करने के लिए जाते भी हैं, कूदने की तैयारी पूरी हो चुकी होती है, सारी व्यवस्था हो चुकी होती है, तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास आती है, मुँह में लॉलीपॉप लिए। कहती कि क्या करने जा रहे हैं आप, यहाँ क्यों खड़े हैं पहाड़ के पास? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैंने इतने ट्राई कर लिया कि भगवान जी कहाँ मिलेंगे, ईश्वर कहाँ मिलेगा, पर अभी तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तो उस छोटी सी बच्चे ने अपने अबोध मन से, भावुकता के साथ, या कह लीजिए बचपने में, एक लाइन बोली महात्मा बुद्ध से, और उस लाइन ने महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन बदल के रख दिया। उस छोटी सी बच्ची ने महात्मा बुद्ध से बस इतना कहा कि जो चीज़ आपके अंदर है आप उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं, बस इतना। महात्मा बुद्ध को ये एक छोटी सी लाइन इतनी गहराई तक उनकी उतर गई और उनके जो इग्नोरेंस थी ईश्वर को लेकर, भगवान को लेकर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और वहाँ से महात्मा बुद्ध की स्पिरिचुअल जो उनका पाथ था वो और ज़्यादा सशक्त हो गया। तो बस मैं इस कथा से आपको इतना समझाना चाहता था कि ज़रूरी नहीं है कि गुरु कोई टीचर हो जिन्होंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाई है, बायो पढ़ाई है। गुरु कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में जिसने आपकी किसी एक इग्नोरेंस को दूर किया है, आपके लाइफ को या लाइफ स्टाइल को जीने के किसी एक गलत कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया है। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई मेंटर, टीचर, आइडियल हो सकता है।